ये है सदा बहार के पौधे। तो अब फेब का महीना है तो हम और पौधे ग्रो कर सकते हैं। कुछ पौधे तो देखो यहाँ से ही इसके बीज से अपने आप भी ग्रो होंगे। तो अब फेब में हम कोई भी पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं मेरे पास ढेर सारे सदाबहार के प्लांट्स हैं तो उसमें से कटिंग से मैं इसको बनाऊंगी और पौधे आपको भी दिखाती हूँ ताकि आप भी बना सकते हैं। आप यहाँ से जैसे हैं तो यहाँ से काट कर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास वहाँ पर फालतू है तो मैं वहाँ से बनाती हूँ। देखिए मेरी बगिया का सीन भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हैं कितने सारे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ से इसकी टहनी तोड़ लूँगी और कच्ची कच्ची टहनियाँ तोड़ूंगी और इसको मैं फिर ग्रो कर लूँगी। ये देखिए पाँच सौ तोड़ती हूँ तो पाँच सौ से बहुत से पौधे बन जाते हैं। ये बहुत आसानी से उग जाते हैं और इसके साथ ही ये सारा साल हमें पौधे हमारे हरे रहते हैं और हमें फूल देते हैं। ये रेड फूलों वाला है, ठीक है जी। ये देखिए बहुत है इतने। तो इसके साथ ही मेरे पास एक वाइट फूलों वाला भी है, दिखाती हूँ आपको। ये वाला मेरा वाइट फूलों का है। अब ये थोड़ा सा चलना शुरू हो गया है क्योंकि सर्दी की मार से ये ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट फूल आए हुए हैं। तो इसको भी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और वाइट फूलों वाला भी मैंने गमलों में लगाया है। तो आज मैं ये रेड फूलों वाला है जो पिंक से होते हैं वो ये मैं लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप भी लगाएं और ठहरों फूल पाएँ, पूजा के लिए हमें ज़रूरत होती है। वैसे तो ये अपने आप भी ग्रो हो जाते हैं। देखो ये यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये ग्रो हो रहे हैं तीन चार गिर, क्योंकि इसके बीच में जो सीड होती हैं वो अपने आप ही और पौधे ग्रो कर देते हैं। इसको पानी भी बहुत कम देना पड़ता है और इसकी देखरेख भी बहुत कम होती है और हम ढेरों फूल इसमें से ले लेते हैं। और इसके फूलों से आप गुलदस्ता बनाकर भी 8-10 दिन के लिए अपने ड्राइंग रूम को सजा सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसकी कटिंग वहाँ पर ही लगा रही हूँ। आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। मैं इसको जहाँ पर ही लगा रही हूँ और फिर इसका अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। इसको कुछ नहीं करना हमने, इसकी तिरछी कटिंग कहते हैं इसकी, जब हम लगाते हैं हमें तिरछी कटिंग करनी पड़ती है, कोई कहता सीधी करनी पड़ती है। तो इसमें कोई भी चक्कर नहीं है, ना सीधी का ना तिरछी का। ये बहुत ही जल्दी आसानी से उग जाते हैं, इसको पानी की भी कमी नहीं होती, ये पानी भी ज़्यादा नहीं लेते। जैसे गर्मियों में हमें प्रॉब्लम आती है पानी देने की, तो ये पानी का भी कोई इसके साथ प्रॉब्लम, देखिए छोटा सा भी कट गया तो ये भी ऐसा ना सोचना कि ये नहीं ग्रो होगा, ये भी ग्रो होगा। देखो यहाँ से इसकी ये देखिए फूल निकलने की तैयारी है। तो मैंने बहुत से ग्रो किए हैं, हर साल करती हूँ। सर्दी में ये थोड़े से कम हो जाती है इसकी ग्रोथ, लेकिन मरते नहीं है ये, फिर ये दोबारा शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद ही। देखिए सदाबहार के पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं और ये मेडिसिन प्लांट भी है और कई लोग इसको इसके पत्तियों को खाते हैं, हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। देखिए इसको मैं पानी से पूरा भर दूंगी और इसके बाद इसको 7-8 दिन पानी देने की
कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसको ना गुड़ाई करनी पड़ती है इसको चलाने के लिए, ना इसमें कोई खाद डालनी पड़ती है, बिल्कुल सिंपल जैसे बस इसको लगाना है और एक बार पानी देके 8-10 दिन के लिए पानी से भी निश्चिंत हैं आप, और जो ढेरों फूल हमें देता है। और पूजा में हमें जब हमारे पास कोई और फूल नहीं होते तो इनसे हम पूजा कर सकते हैं। सो इसको ज़रूर ग्रो करें फ्रेंड्स, अपनी बगिया में, अपने गमलों में, अपने टेरेस गार्डन पर, और फूलों की भरमार अपने घर में और किचन गार्डन में लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।